नो वैक्सीन नो वर्क के नारे के साथ लताबारी ग्रामीण अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी धरने पर उतरे। उत्तर कालचीनी प्रखंड के लताबारी ग्रामीण अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे हैं। उनकी शिकायत है कि वो दिन रात कोविड मरीजों की सेवा करते हैं, हालांकि इसके बावजूद भी उनके परिवार के सदस्यों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है एवं दूसरी ओर प्रतिदिन ही लोगों को वीडियो ऑफिस में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार के सदस्य वैक्सीन से वंचित हैं। इस विरोध में अस्पताल के सामने नर्स, एम्बुलेंस चालक व स्वास्थ्य कर्मी लताबारी ग्रामीण और अस्पताल के चिकित्सक बुधवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग फ्रंटलाइन ये हैं, काम करने वाले हैं। हम लोग इन्फेक्शन बहुत सारा आता है, रोज डेली मरता है पॉजिटिव होके। तो हम लोग बोले हैं, हम लोग का घर का आदमी को वैक्सीन चाहिए, तो गवर्नमेंट से बात हुआ। गवर्नमेंट बोले नहीं, यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, आपको वीडियो ऑफिस जाना है। तो हम लोग वीडियो ऑफिस गए थे, वहाँ पर भी वीडियो हम लोग को निकाल दिए, वहाँ से नहीं होगा। तो हम लोग आज ट्रैक कर रहे हैं, काम बंद करके बैठे हैं। जब तक हम लोग का यहीं पर वैक्सीनेशन का व्यवस्था नहीं किया जाएगा हम लोग के फैमिली के लिए, तब तक हम लोग काम स्टॉप कर रहे हैं। आपके जैसे यहाँ पे कितने स्टाफ है जिनको ऐसे वैक्सीन नहीं मिला परिवार? यहाँ पर GNM स्टाफ है 9 जन, 2 पॉजिटिव है और 7 जन अभी रनिंग काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी किसी को वैक्सीन परिवार को नहीं मिला? परिवार का नहीं हुआ। इसी बीच लताबारी ग्रामीण अस्पताल में सेवा ठप होने से इलाज के लिए भर्ती मरीज व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या असुविधा हो रही है बताइए आपको? ये बुखार है, सर्दी है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आज क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टर लोग बैठा भी नहीं है। हाय, मैं मीनू। डिजिटल बांग्ला की खबरें देखने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। कितना देर पहले आए आप लोग? हम लोग आया हो गए 1.5 घंटा। 1.5-2 घंटा हो गया, डॉक्टर नहीं आया? पूरा समस्या हो रहा है आप लोग को? हाँ, समस्या तो बहुत हो रहा है। एक ही तो एक बड़ा हॉस्पिटल, एक ही तो है ये, यहाँ पे डॉक्टर ले बैठे जैसे समस्या जाएंगे। कहाँ से आप? हम लोग मैं रायपुर से। कितने आए आप लोग यहाँ पे? हम लोग डॉक्टर के। कब आए? अभी अभी आए। क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे? क्या बोलेगा, डॉक्टर नहीं है? कित कहाँ से आए आप लोग? काठियावाड़ी। करीब 1.5 घंटे तक धरना चलने के बाद कालचीनी BDO प्रशांत बर्मन और कालचीनी प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष कुमार कर्मकार मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों से बात की और आश्वासन मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना खत्म कर कार्यभार संभाला, जिसके बाद लताबारी ग्रामीण अस्पताल में चिकित्सा सेवाएँ सामान्य हो गई। एक्चुअली वैक्सीन नहीं तो सब जगह एक समस्या सृष्टि हो मानुष एन एतटाई सचेतन हो स्वस्फूर्त भावे सबाई वैक्सीन नहीं चाहिए। तो यही वैक्सीन नेार जमे मानुषर मध्य एतटाई उत्साह तुलनामूलक हम तो एक दिन रात वैक्सीन करा जाए ना कि सप्लाई कम आससे जार जिन हेल्थ स्टाफ मध्य सबाई जो वैक्सीन पाए तेज़ बाड़ लोक जन परिवार लोक वैक्सीन पाए एक चाहिदा छो कितु सरकारी भावे এখনও হেলথ স্টাফের পাউচদের জন্য অর্থাৎ ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য কোনো অর্ডার নেই। তো সেটা আমাদের দিদিমণিরা সবাই সব কিছু তো জানেন না, টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো অফিসিয়াল সব অর্ডারগুলো তো সব জায়গায় সার্কুলেট করা হয় না বলে দিদিমণিরা ভুল বুঝেছিলেন। তো ভুল বুঝে আজকে একটা আন্দোলন মতো করছিল, চাইছিলেন ভ্যাকসিন। অ্যাকচুয়ালি আন্দোলন তো বলা যায় না, ভ্যাকসিন চাইছিলেন চাওয়ার জন্য সবাই আমাকে বলেছেন। তো গণ্ডগোলটা যখন হচ্ছে তখন আমি BDO সাহেবকেও ডেকে নিলাম যে BDO সাহেব যেহেতু আমাদের ব্লকটা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা জানেন, দায়িত্ব নিয়ে ভ্যাকসিনেশনটাও দেখেন, তো আমরা দুজনে মিলে আমাদের স্টাফদের সাথে কথা বলে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নেওয়া হলো। BDO স্যার বললেন ব্যাপারটা দেখবো, আমিও বললাম যে ব্যাপারটা আমরা দেখছি কী করা যায়। আশা করি এখন আমরা ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিয়েছি, নিজেদের মতো করে সবাই মিটিয়ে নিয়েছি। वहीं कालचीनी के BDO प्रशांत बर्मन ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे आपको। सर,
যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গাইডলাইন আছে, কোনো কর্মচারীর পরিবারের ভ্যাকসিনেশনের কোনো গাইডলাইন আমাদের কাছে নেই। যে গাইডলাইন আছে তাতে আমাদের টিচার, হকার্স এই সব গাইডলাইন ক্রাইটেরিয়া বেঁধে দিচ্ছে সরকার, তাদের ভ্যাকসিনেশন চলছে, কিন্তু তারা ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাদের পরিবারকে ভ্যাকসিনেশন করতে হবে, এরকম একটা তাদের ডিমান্ড ছিল। কিন্তু আমরা বলেছি আপনারা লিস্ট দিন, সেই লিস্ট অনুযায়ী আমরা পাঠাবো গভর্নমেন্টের কাছে, গভর্নমেন্ট বিচার বিবেচনা করে যেদিন অর্ডার করবে আমরা ভ্যাকসিনেশন করে দেবো। এবং আমরা এটাও কথা বলেছি একজন স্টাফের যতদিন আমার ব্লকে বা ডিস্ট্রিক্টব্যাপী ভ্যাকসিনেশন চলবে, আমার ব্লকে তো অনন্তকাল ধরে একজন স্টাফের সুপারিশ থাকতে পারে না, একটা পার্টিকুলার নিয়মের মধ্যে সেটা ভ্যাকসিনেশন হবে। আমি সেটা লিস্ট ডিমান্ড করেছি, লিস্ট বিএমএস সাহেব পাঠাবে, আমরা তাদের ভ্যাকসিনেশনের কথাটা ভাবি।